हाय फ्रेंड्स, राम जसवाल ऑफिशियल चैनल में मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ। माय नेम इज़ राम कुमार जसवाल। आज मैं एक टॉपिक पे वापस फिर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जिसका मतलब होता है खुशी। हैप्पीनेस इज़ अ लाइफ हम लोग कहते हैं, लेकिन हैप्पीनेस इज़ अ लाइफ क्यों और कैसे? क्यों हम लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, आज देखिए मैं आपसे बात करते हुए मुस्कुरा रहा हूँ, तो ये जो खुशी है ये क्यों होती है, ये महसूस कैसे होती है, इसकी मैं बात बताता हूँ। लोग ढूंढते हैं, खुशी के पीछे भागते हैं, परेशान होते हुए मैंने देखा है लोगों को कि मैं परेशान हूँ, मुझे इससे शिकायत है, मैंने ये नहीं पाया, मैं वो नहीं चाहता हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, इस तरह की बातें बहुत सारी आती है। शायद मैं उस बातों का मैं कुछ एक जवाब दे सकता हूँ आपके लिए, मैंने सोचा शायद वो आपके काम आए। चलिए मैं इस पर डिस्कशन शुरू करता हूँ कि एक स्टोरी है, फिर मैं वापस अपनी स्टोरी पे आता हूँ। एक राजा था, बहुत ही धनी व्यक्ति, बहुत ही बड़ा व्यक्ति, बहुत, और राजा ऐसे भी ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है। वो राजा के पास सब कुछ था, क्योंकि राजा था, लेकिन उसके पास खुशी नहीं थी। उसके घर में कलह थी, उसके घर में परेशानियाँ थी, लोग उसके घर के परिवार आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन उसी राजा के महल से दूर जब वो अपने चार दीवारी के पास खड़ा होता था तो देखता था कि एक किसान का घर है, और उस घर से हमेशा हंसने की, खुश रहने की बातें हमेशा साउंड आती रहती थी, और वो देख के उसे खुश होता था। एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, देखो मैं राजा हूँ, मुझे किस चीज़ की कमी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, ये खुशी मुझे कब मिलेगी? और ये किसान देखो उसके पास क्या है, कुछ नहीं, फिर भी वो खुश है। तो वो मंत्री बोलता है कि हुजूर, बातें ये हैं कि जो हमारे राजा साहब हैं, आपके पास सब कुछ है पर आप 99 के फेर में हैं, और जो वो किसान है वो 99 का फेर में नहीं है। मतलब अ स्टोरी ऑफ द मैन मैजिक ऑफ 99, अ मैजिक ऑफ 99 का चमत्कार। बोलता है मुझे साबित करके दिखा। बोलता है हुजूर, इसके लिए मुझे 99 सोने के मोहरे लगेंगे। वो बोलता है ठीक है, मैं 99 आपको सोने का मोहरे मैं आपको देता हूँ। उसने किया क्या कि वो 99 सोने के मोहरे उसने उस मंत्री को दिया। वो मंत्री वो सोने के मोहरे को लेके जाता है और किसान के घर पे वो रख देता है। रात में सुबह जब किसान उठता है, वो किसान की वाइफ उठती है, वो जब दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर देखती है कि 99 सोने के मोहरे थे। तो उसकी वाइफ आती है, वो गिनती है, बहुत खुश होती है, एक्साइटेड होती है। वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार गिनती है, बार बार वो 99 जाता है। वो फिर अपने पति को बोलती है, किसान को, किसान भी गिनता है, उसका बेटा भी गिनता है, हमेशा 99 ही आता है। तो किसान क्या करता है कि बोलता है 99 है, ये 100 होने चाहिए। अब वो एक सोने का मोहरा, एक सोने के मोहर को ख़रीदने के लिए वो, और एक सोने 99 को 100 बनाने के लिए वो दिन रात किसान मेहनत करता है, अपनी परेशानियों में खो जाता है, वो परिवार से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ एक सोने के सिक्के को बनाने के लिए वो लगातार उसके पीछे वो परेशान होता है, जो कि वो नामुमकिन था उसके लिए, क्योंकि छोटी सी खेत थी उसके पास, वो ज़रूरी नहीं था उस समय, उस ज़माने में एक सोने का मोहरे को बना लेना। तो होता क्या है कि जो रानी थी, वो किसान की जो वाइफ थी, जो उस किसान की रानी कह सकते हैं हम लोग, तो वो जो रानी किसान की वाइफ थी, फार्मर थी, वो क्या की कि वो उसमें से 2 सोने का सिक्का वो निकाल के वो बाज़ार जाती है और थोड़ा सा शॉपिंग कर लेती है। किसान शाम को घर आता है, वो देखता है, फिर गिनता है सोने के सिक्का, वो देखता है इसमें से 2 गायब हैं, कितने बचे, 97। अब वो किसान कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि 97 बचा। वो अपनी बीवी से पूछता है, उसकी बीवी बताती है कि हाँ ये सब बातें हैं, मैंने 2 सिक्के निकाले, वो मुझे से खर्च हो गए। बोलता है वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। उसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसके बेटे 2 सिक्के निकाल लिए। अब उसके घर में वो सिक्के का निकलना लगातार जारी रहा। धीरे धीरे उस घर में लड़ाइयाँ होने लगी, झगड़ा होने लगा, परेशान होने लगे। तो एक दिन वो राजा वो अपने छत के पास वापस खड़ा था, वो देखा कि अब तो वहाँ से लड़ाई झगड़े करने के बाद वो मंत्री को बुलाया, बोला हुजूर यही 99 का फेरा है। यानी इस कहानी का सार है मेरे दोस्त कि वो 99 सोने के सिक्के उसे मिले, वो उसे छोड़कर वो एक सिक्के के पीछे वो किसान भाग रहा था और लगातार भागता है। इसलिए मतलब मिला जुला के मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो है, जितना है, कुदरत ने आपको जितना दिया है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से आपको जितना मिला है, आप उतना में खुश रहिए, बहुत अच्छी लाइफ कटेगी आपकी।
अगर लोग ये सोचते हैं, जैसे बहुत जगह मैंने देखा है, मैं ये गाड़ी ले लूँगा तो मैं ये खुश हो जाऊँगा, मैं अमेरिका चला जाऊँ या मैं इंडिया के किसी कोने में चला जाऊँ जहाँ मैं घूमने से खुश हो जाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे आ जाएँ तो खुश हो जाएँ। तो बॉस, जिन चीज़ों को आप ढूंढ रहे, शायद उन चीज़ों को ढूंढने में आपकी वो सारी उम्र चली जाए, और जो पल आपको मिला है उस पल की जो खुशी आपको मिलती है वो शायद खुशी को आप मिस कर दीजिएगा। कहते हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे की खुशी को, मुस्कुराहट को देखिए, आपको सबसे अच्छी खुशी इसी उसमें लगेगी। यानी हैप्पीनेस इज़ द लाइफ का मेन मोशन ये है कि आपके लाइफ में जितनी सारी खुशियाँ हैं, आपके पास जो है जितना है आप उसमें उतना खुश रहना सीखिए, और जो नहीं है बेशक उसमें पाइए, लेकिन उसमें इतना मत खो जाइए कि आप अपने परिवार, अपने दोस्तों से, और जो प्रेजेंट में आपके पास है आप वो आपके हाथों से वो निकल जाए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को फिर मैं अगली बार कुछ नए स्टोरी लेकर आऊँगा। टू शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक्स टू व्यू माई चैनल।